सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट गिरीश। दोस्तों, आज हम एम आई होम सिक्योरिटी कैमरा है हमारे पास, जिसको मैंने यहां पे OBS में ऐड किया है। और एक दूसरा भी कैमरा है मेरे पास, निकॉन का कैमरा है, उसको भी मैंने OBS में ऐड किया है। एम आई होम सिक्योरिटी वाला जो कैमरा है उसको भी ऑन किया है। इसको भी हमने यहाँ पे विंडो कैप्चर डिवाइस में ब्लू स्टैक जो एप्लीकेशन है उसमें मैंने यहाँ पे एक ब्लू स्टैक एप्लीकेशन ऐड किया है। उसमें मैंने यहाँ पे होम सिक्योरिटी जो कैमरा सिस्टम है उसका एप्लीकेशन ऐड कर दिया है। और इसमें मैंने यहाँ पे ऐड किया है मेरा MI का 360 डिग्री कैमरा, जो आपको ऑलरेडी पहले मैं इस चीज़ पर वीडियो बना चुका हूँ, आपको पता है ऑलरेडी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास अभी करंटली यहाँ पे लाइव ये व्यू आ रहा है। और आपको पूरा एप्लीकेशन देखना है तो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, क्लिक करेंगे यहाँ से एप्लीकेशन को चालू कर देंगे। यहाँ पे मैंने इसको फुल स्क्रीन कर लिया है। फुल स्क्रीन करने के बाद मैंने यहाँ पे OBS में गया। OBS में मैंने यहाँ पे विंडो कैप्चर में मैंने यहाँ पे ब्लू स्टैक एप्लीकेशन सिलेक्ट कर लिया। तो जो ब्लू स्टैक एप्लीकेशन में अभी चल रहा है MI का होम सिक्योरिटी कैमरा, वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। और यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है मेरा कैमरा। अब ये जो पूरा सिस्टम है, पूरा मैंने जो बनाया हुआ है, उसको हम कैसे जूम मीटिंग में ऐड करेंगे। तो जूम मीटिंग में आपको ऐड करने के लिए सबसे पहले इसको वर्चुअल कैमरे में इसको कन्वर्ट करेंगे हम। तो कहाँ से करेंगे, टूल्स में जाएंगे, वर्चुअल कैमरा। ऑलरेडी अभी ये वर्चुअल कैमरा जो है वो चालू है, आप यहाँ पे देख सकते हो, स्टॉप द वर्चुअल कैमरा। अब हम जूम मीटिंग का एप्लीकेशन जो है उसमें जाएंगे। ये जूम मैंने यहाँ से एक रिटर्न टू मीटिंग कर लिया। अब यहाँ पे हम मीटिंग में आ गए। मीटिंग में आप देख सकते हैं जो भी हमने OBS के अंदर वर्चुअल कैमरा इसको स्क्रीन को OBS की स्क्रीन को हमने कन्वर्ट किया वर्चुअल कैमरे में। और उस कैमरे को, वर्चुअल कैमरे को मैंने यहाँ पे लोड किया है किसमें, जूम मीटिंग में। सो यहाँ पे अभी यहाँ पे मैं स्टॉप वीडियो करूँगा तो वीडियो बंद हो जाएगा। अभी ऑन किया तो वर्चुअल कैमरा जो हमने बनाया है वो यहाँ पे आ गया। अब कहाँ से मैंने बनाया, ये छोटा सा आपको एरो दिख रहा है, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा OBS वर्चुअल कैमरा, ये मैंने सेलेक्ट किया है। अगर मैं AV to USB करूँगा तो ये निकॉन का कैमरा आ जाएगा। अभी आप देख रहे हैं नहीं आ रहा है, क्योंकि OBS में ऑलरेडी ये चल रहा है इसलिए नहीं आ रहा है। सो यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम जाएंगे OBS वर्चुअल कैमरे को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से वीडियो पे ऑन कर देंगे। सो ये सिंपल सा फंडा है। आप MI के कैमरे को भी आप जूम मीटिंग में ऐड कर सकते हैं, आप अपने खुद के कैमरे को भी आप जूम मीटिंग में ऐड कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, आप OBS में जाओ, OBS में पूरा सेटअप लगाओ। OBS में सेटअप लगाने के बाद आप सिंपल यहाँ पे आ जाओ, वर्चुअल कैमरा, और यहाँ से वर्चुअल कैमरा ऑन कर लो। अगर नहीं आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अगर आया है तो भी लाइक कीजिएगा, क्योंकि वीडियो तो मैं वैसे भी बनाने वाला हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो।